दोस्तों अगर बात आती है पांच भारत के सबसे कमाल राज्यों की तो उसमें केरला का नाम हर हालत में ही होगा, क्योंकि हर इंडियन इसकी खूबसूरती पर गर्व करता है और हम शान से ये बात कहते हैं कि केरला जैसा राज्य हमारे भारत का एक हिस्सा है। दोस्तों ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये है भी तो इतना खूबसूरत। दोस्तों वैसे तो केरला भारत के सबसे विकसित राज्य माना जाता है और यहाँ की कैपिटल सिटी है देवानंतपुरम। 38,360 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये इंडिया का 22वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से। अगर बात आती है यहाँ की पॉपुलेशन की तो वो है 3,33,00,000 के आसपास, और पॉपुलेशन के मामले में ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुन के आप भी केरला राज्य पर गर्व करने लगेंगे। दोस्तों केरला इंडिया के दक्षिण पश्चिम मार्बल तट पर स्थित है। अगर बात आती है लिटरेसी रेट की तो यहाँ पर भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। यहाँ आपको 94% से ज्यादा शिक्षित लोग ही मिलेंगे। दोस्तों इतने शिक्षा का असर इस राज्य में साफ देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आती है और यही खासियत इस जगह को इतनी खूबसूरत बनाती है। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा या सबसे अमीर मंदिर भी केरला में ही स्थित है, जिसका नाम है श्री पद्मा धाम मंदिर, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ का खजाना $1 ट्रिलियन के बराबर है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये कितना महंगा मंदिर है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी इंडिया के बाकी लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है यहाँ का एजुकेशन लेवल। दोस्तों आपको इस बात से अंदाजा हो ही जाएगा कि ये राज्य कितना डेवलप है। यहाँ के हर एक गांव में आपको स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध देखने को मिल जाती हैं, और यही वजह है कि इंडिया के अदर स्टेट के मुकाबले यहाँ की डेथ रेट भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध है। इसलिए इस मामले में ये राज्य इंडिया का सबसे डेवलप राज्य माना जाता है। हालांकि केरला राज्य हर एक इंडेक्स में सबसे आगे है। दोस्तों ये इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इंडिया के बाकी स्टेट में जितने करप्शन होते हैं उतने करप्शन तो केरला में कभी हुए ही नहीं है। हालांकि ये बात चौंकाने वाली है कि इतनी चीजों में आगे होने के बावजूद भी यहाँ का सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। इसकी वजह है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का मौजूद होना। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी रोजगार ना होने की वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आज के दिन केरला के 14% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग काम के तलाश में दूसरे राज्य या दूसरे देशों में जाके काम करने लगते हैं। दोस्तों केरला राज्य समुद्री तट पर मौजूद है, इसकी वजह से इतिहास में भी ये राज्य समुद्री आयातक और निर्यातक के लिए मशहूर था। आपको ये भी बता दें कि टूरिज्म के लिए केरला राज्य वन ऑफ द मोस्ट राज्य है। ज्यादातर लोग यहाँ की वादियाँ देखने के लिए जरूर आते हैं। दोस्तों यहाँ की हरियाली लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, इसीलिए इस राज्य को गॉड लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये है भी इस लायक। दोस्तों अगर आप भी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप केरला में मनार में जरूर जाइएगा, क्योंकि ये कपल्स के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों अगर आप घूमने जाने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो ये था केरला, जाने कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।